क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कल हम सभी साथी सहारनपुर के अंदर थे और वहाँ की सिचुएशन पे लगातार हमारी नज़र है, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ सचिन ही मरा, एक के बाद एक हमारे बच्चे लगातार शहीद हो रहे हैं। और उन्हें मारने वाले कौन है? कोई जाति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है, हम किसी जाति को कोस नहीं रहे, हमारी लड़ाई एक व्यवस्था से जो इंसान को गुलाम बनाती है। अभी हम याद होगा तरह तरह भारत भर में 11 से 11 बच्चे हमारे शहीद हुए थे, उस समय भी इसी विचारधारा मरुवादी विचारधारा ने शांतिपूर्वक होते हुए विरोध प्रदर्शन पर हमला किया और कुछ नारे लगाए और उसके बाद गोले से उन्हें मारा गया। इसके बाद सचिन के साथ भी यही हुआ। मैं एक शेयर करना चाहूंगा, गुलगुलों के पंजों में बाज नहीं रहते हैं, गुलगुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, बुजदिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पता सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। इसका मुख्य कारण मैं बताना चाहूंगा, इन लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है, ये आज भी हमारे समाज के लोगों को गुलाम समझते हैं। आज उस मानसिकता के साथ हमारा सीधा टकराव है। हमारे लोगों ने, कुछ लोगों की मानसिकता बन गई है कि लाशों को लाशें उठाने की, हमें उसे बदलना होगा। कब तक हम अपने बच्चों की लाशों को अपने कंधों के ऊपर उठाकर लेकर चलते रहेंगे? कब तक हम अपनी माता और बहनों का सामाजिक शोषण होते हुए देखते रहेंगे? कब तक हम अपने बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलते रहेंगे? हम किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें हमारे सम्मान हमें दे दीजिए, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं। लेकिन चंद मानसिकता घटिया मानसिकता के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लोगों के अधिकार भी हमें दे सके, और इसीलिए हम लोग मिलकर लगातार इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। और जरूरी है, कोई भी मां बाप, यहां पर जो भी लोग बैठे हैं, कोई नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का जनाजा उसके कंधों पर उठे, कोई भी मां बाप। लेकिन हम लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अपने बच्चों के जनाजे को कंधों पर उठा के लेके जा रहे हैं। कब तक बर्दाश्त किया जाए? हम क्या कहते हैं, सिर्फ सहारनपुर में इतनी ही तो प्रशासन से हमने मांग की थी कि यहां पर पिछले साल भी कुछ दंगे हुए थे, इस कारण इस बार भी उसकी आशा है तो आप वहां पे इस जयंती को निकालने की परमिशन ना दीजिए। लेकिन प्रशासन ने रात 8 बजे इसकी परमिशन दी और कहा कि 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और वो भी पूरी पुलिस की नजर में चलेंगे, लेकिन हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। और हमारे कुछ साथियों को पता होगा, जब हमारे भाई सचिन वालिया की गोली लगी थी, उसके बाद कुछ वीडियो अपलोड की गई है जिसमें कुछ लोग लगातार जश्न मना रहे हमारे बच्चों के मरने का। जश्न मना हमारे बच्चों के मरने का, और प्रशासन को दिखाई नहीं देता। रात जब हम वहां से करने वाले के घर से निकले तो 2-2.5 किलोमीटर चलने का पुलिस की पूरी गाड़ियां हमारे पीछे लगा दी गई, हमें परेशान किया गया। क्या अगर हमारे घर के किसी बच्चे का कोई के साथ कोई घटना हो जाती है तो क्या हम अपने बच्चों के घर पे भी नहीं जा सकते? यह एक बड़ी मानसिकता है। हमारी लड़ाई किसी भी, मैं कह रहा हूं, जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं, हमारी लड़ाई मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ। हम सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन वो भी हमें देने को तैयार नहीं।
और साहब इसीलिए 20 तारीख को दिल्ली अखबार में तस्वीर पर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और देशभर से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पर पहुंचे और हमारे समाज के हो रहे जितने ज्यादातर बच्चे हैं जिनका सामाजिक शोषण हो रहा है, लगातार बच्चों की हत्या हो रही है, उसका विरोध करें क्योंकि सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और गूंगी बहरी को ये जरूरी कि आप लोगों को बार बार जाके उन्हें बताना होगा कि हमारी आत्मा मरी हुई नहीं है, हमारी आत्मा जागी हुई है और अपने अधिकारों के लिए हम अभी भी सड़कों पे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब साथियों का हमें प्यार और समर्थन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में पहुंचेंगे। क्रांतिकारी जय हिंद, मेरा सलाम।